Road Safety World Series Season 2. Co-powered by Paytm Se UPI and Fair Play News. Khelja, digital sponsor. Mutual fund sahi hai. नमस्कार, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। मैच आज बहुत ही महत्वपूर्ण, सबकी निगाहें इसकी तरफ, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, दो महाशक्तिशाली टीमों के बीच में एक दिलचस्प मुकाबले की यहां पर गुंजाइश है और सभी को उसी बात की प्रतीक्षा है। Sachin, you got the coin? Up it goes. Safety. Safety is the call. Oopsie. Jeez, is he going to stay up? It is a road. We're going to have a ball. इंडिया लेजेंड्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया। जी हाँ, ये है टीमें और जैसे सचिन बता रहे थे कि चार बदलाव किए गए हैं और मुझे लगता है कि अब ये टीम सेटल हो चुकी है और ऑस्ट्रेलियन टीम के भी एक दो चेंजेस हैं। और देखिए ये क्या नई नीति से आज भारतीय टीम उतरी है, बेसिक गलती तो नहीं करेंगे शेन वॉटसन, और पीछे खिलाड़ी नहीं है देखिए, और ये शॉट खेला कहां था और बॉल देखिए कहां से निकल गया, कमाल है। दुल्हन ने कट किया, स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है, चार रन। ओह क्या शॉट है, ये है टच शेन वॉटसन का, बहुत बढ़िया। ये आमर गेंद इस बार ऑन साइड में टर्न किया, आउटफील्ड काफी तेज है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर फील्ड कर लिया गया। दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, लेजेंड्स अपनी जान झोंक रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। ये थोड़ी शॉट और बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, चार रन। ओह थोड़ा हवा में थी तो शायद मुनाफ को लगा कि कैच हो सकती थी, पर बहुत तेज शॉट था। ओह क्या शॉट है, ये तो लाजवाब बैटिंग हो रही है, नॉकिंग जिसे कहते हैं, और मैच से पहले वार्म अप इसी तरह कर रहे थे। और फिर से, और इसके लिए आप कैसे फील्ड सेट करेंगे, बहुत शॉर्ट गेंद मिली है, इसको पहुंचाया जाएगा वहां जहां इसको जाना चाहिए। इस तरह से बॉलिंग करते हैं, इस बार यहां पर एक मौका और बहुत ही जबरदस्त चांस था यहां पर, चूके फिर से शॉर्ट गेंद, दूसरा चौका है ओवर का, 50 रन पूरे हो गए सिर्फ 5.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के। ये तो ले लेंगे, दो बार कहा ले लीजिए, ये मौका तो टीम इंडिया नहीं छोड़ेगी, आखिरकार शेन वॉटसन बाहर जाएंगे। कितनी बार हमने देखा है जब ब्रेक होता है कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हुआ यहां पर। 30 रन बनाए 21 बॉलों पर वॉटसन ने, 60 पर अब एक ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। टैंक अपने हाथ दिखाने से चूकते नहीं है, जो अंदाज है वो बिल्कुल सामने है। अच्छा फुटवर्क इस बार यूसुफ पठान का, राहुल शर्मा ने भी तारीफ की है क्योंकि उनकी गेंद पे कम से कम 2 रन बचे हैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है, और एक विकेट मिल गया, जो तड़फ रहे थे बड़ा शॉट मारने के लिए और जबरदस्ती के जो पुल शॉट लगा रहे थे आगे की गेंदों पे, उसके बाद स्टेप आउट करना ही पड़ता था। 35 पर आउट दुल्हन, 78 पे 2, और फिर से गैप रही है, चौका नहीं रोक पाएंगे, और ये उठाकर मारा है ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ, फिर 4 रन। और ये देखिए जिसके बारे में बात कर रहा था मैं,
जैसे ही मैंने कहा तो ये लाइन जो खिला रहे हैं पैड लाइन, ये तो फ्री हिट है। और यहां से ये गेंद ऊंची उठ गई है, थर्ड शॉट थर्ड मैन पर कैच कर लिए गए और आउट। ये विकेट जिसकी तलाश थी, उठाकर मारना चाहते थे छक्का, लेकिन जिंदगी में वैसा हमेशा होता कहां है जैसा आप चाहते हैं। तो अब 104 पे तीन खिलाड़ी आउट ऑस्ट्रेलिया। ओह, कनेक्ट हुआ है, बहुत बढ़िया। ऐसा लगा कि बैट पे पूरी तरह से आए नहीं है, पर देखिए टाइमिंग, तो डंक की जो डंक है वो चल रहे हैं यूसुफ, और फिर से वही लेंथ और फिर से चौका के ओवर द स्टंप्स आए हैं, और इस बार लाइन जो थी वो गलती कर बैठे। कहां से कहां खेलना चाहते हैं प्रभु। चलिए इन दोनों के मिलाप के चक्कर में कैच नहीं छूटा। अब शायद सचिन आके इन दोनों का झगड़ा सुलझाएंगे, लेकिन जो बड़ी बात थी विकेट वो भारत को मिल गई है। 5 पर आउट हुए रेडन, 128 पर 4 अब ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। क्या बात है, सुरेश रैना, अद्भुत कैच, ये है फील्डिंग के प्रभु। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, डंक की विकेट। 46 रन बनाए 26 बॉलों पर डंक ने, 131 पर 5 ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। बुरा क्या हुआ, बाद में बारिश आ गई, मूसलाधार तेजन तेज बारिश आई, पर ग्राउंड स्टाफ की जितनी तारीफ करें कम है। रूम पर आया इस बार और बड़ा शॉट खेला है, तो आज के दिन का पहला इस पारी का तीसरा छक्का। फुल टॉस इस बार, इसको तो दंड मिलेगा, बेहतरीन छक्का। मैं कहूंगा बॉल में कोई खराबी नहीं थी, उनकी सोच में कोई खराबी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि यॉर्कर लेंथ की बॉल करें। इस बार जोरदार स्ट्रोक, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ, लेग स्टंप के बाहर मूव किए थे, जगह बनाई थी, समझ गए थे कि किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से जगह बनाई इस बार, लेकिन लगता है, मुझे लगा टाइमिंग सही नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बाउंड्री मिल गई उनको। फील्डर है तो 171 ये फाइनल स्कोर है ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की पारी का। तो भारतीय लेजेंड्स को, इंडिया लेजेंड्स को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सीजन 2 के फाइनल में जाने के लिए 172 रन का लक्ष्य मिला है। आखिरी 10 ओवर में 95 रन आए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर पहले 10 और आखिरी ओवर में नहीं था। कंसिस्टेंट गेंदबाजी हुई है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। यह भिड़ंत दो महान टीमों की, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, और यह सेमीफाइनल एनकाउंटर नंबर 1। इंडिया लेजेंड्स को चाहिए 172 रन इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। दुनिया के सबसे मशहूर तेज गेंदबाजों में से एक कहे जाते थे अपने समय में। No! ये बैकफुट पर बढ़िया पंच ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में थे 4 रन के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक है। ये इस बार लेग साइड में थोड़ी सी ड्रिफ्ट कर रही थी तो बैट का भीतरी किनारा, और 4 रन डीप फाइन लेग बाउंड्री, ये दिशा गलत हो गई। ये फिर से यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, ये ऑन साइड में मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, ये मुश्किल स्ट्रोक होता है। ये बैकफुट पर कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री पर। देख भाल कर खेला इस बार नमन ओझा ने, थोड़ी सी जगह मिली हाथ चलाने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, और ये उठा कर मारा है ऑन साइड में सुंदरता के साथ 6 रन के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से कलाई के उपयोग से केवल फ्लिक भर कर दिया, और क्या गेंद गई। फिर से हाफ वॉली और ड्राइव किया, सारे फील्डर्स केवल देखते भर रह गए, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन, क्या स्ट्रोक है और क्या टाइमिंग। ये शॉर्ट पिच और ये स्लैप शॉट जिसको कह सकते हैं ऑफ साइड में पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन, स्लैप शॉट एक तरह से
आड़े बल्ले से लगाया गया, जानबूझ कर कलाइयों में कितनी ताकत होनी चाहिए। ओहो, अब जान गले में नहीं आई, अब जान निकल गई है सारे भारतीय दर्शकों की। पर ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी, क्रिकेट के प्रभु वापस जा रहे हैं। 10 पे आउट हुए और अब भारत है 38 पे एक। और क्या शॉट है, ओहो, और ऊपर से शॉट खेल ही दिया और सीधा हाथ में मार बैठे। जेसन क्रेजा पहले ही ओवर में कामयाब हुए और सुरेश रैना, बहुत बढ़िया शॉट नहीं था, बहुत दूर थे अपने शरीर से जब ये शॉट उन्होंने खेला और बहुत आसान कैच कैलम फर्गसन के लिए लॉन्ग ऑफ पे। 11 रन पर रैना आउट, 54 पर 2 इंडिया लेजेंड्स। और नमन ओझा अब बड़ा शॉट लगाने के लिए गए हैं और बड़ा शॉट मिलेगा, दूसरा छक्का नमन ओझा के लिए इस मैच में। तो दीगे जी पलटवार भारत की तरफ से आया है, ये तगड़ा शॉट है, ये ट्रेडमार्क शिवराज शॉट है, पहला चौका उनका। ये तो बिल्कुल स्लॉट पे गेंदबाजी कर दी दशा ने, और बहुत बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, रूम दे दिया और एक और खूबसूरत छक्का नमन ओझा के बैट से 77 पे 2। इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में बॉल और लाइन के ऊपर से बाहर, 6 रन। नमन ओझा की प्रतिभा को नमन, 50 रन भी पूरे हो गए इस तरह नमन ओझा के। फिर आगे निकले, फिर उठाया और फिर से ये 6 रन, गजब का स्ट्रोक। क्या खेल रहे हैं नमन ओझा, दिल जीत लिया है आज जिस तरह से खेल रहे हैं। ओवर पिछली ड्राइव के ऑफसाइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। ये धीमी गेंद लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रन, और क्लीन बोल्ड हो गए युवराज सिंह। जगह बनाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मैं कहने ही वाला था कि बड़ी समझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं, ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। 18 रन बनाए युवराज सिंह ने 15 बॉलों पर, 115 पर अब 3 है इंडिया लेजेंड्स का स्कोर। फाइनल आगे निकल कर आए, उठाया ऑन साइड में, सीधा कैच के रूप में और आउट, लॉन्ग ऑन पर कैच चला गया सीधा और आराम के साथ वो कैच कर लिया। गेंद की पिच तक नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद धीमी गति से आई और बिनी का विकेट गिर गया। 2 ही रन बनाए स्टुअर्ट बिनी ने, 122 पर 4 इंडिया लेजेंड्स। ओ बाहरी किनारा लगा है, यूसुफ पठान वापस जा रहे हैं और खैर कोई बात नहीं, अबू का दिल का एक हिस्सा टूटा होगा तो दूसरा जुड़ेगा क्योंकि संभवतः इरफान पठान बल्लेबाजी करने आएंगे। और एक बड़ी विकेट और एक बड़ा झटका भारत के लिए, 125 पे 5 अब। जब शॉट मारते हैं इरफान पठान तो गेंद भरती है उड़ान 6 रन के लिए, और बहुत जरूरी था ये छक्का। 2 की कॉल है, इस बार 2 की कॉल है, 2 मिलने भी चाहिए, 4 मिल जाएंगे, दौड़ने की जरूरत नहीं थी, रुक जाइए प्रभु, चौका मिल गया है। ये कनेक्शन बढ़िया हुआ है, डर्क नैनिस के हाथ में गेंद है और ये बड़ा शॉट है, पठान के शॉट की उड़ान नंबर 2 भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया टाइमिंग। और ये रुकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं, ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे छक्के मारेंगे इरफान पठान, क्या बात है। ये लीजिए पठान का एक और प्रहार, इन 3 छक्कों ने गेम सेट मैच कर दिया है। शॉट बड़ा है प्रभु और अब फाइनल सामने खड़ा है प्रभु, लगातार दूसरी बार इंडिया लेजेंड्स रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंचे हैं और इरफान पठान के इन 4 छक्कों ने उस कहानी का
पटाक्षेप लिखा है, उसका क्लाइमेक्स लिखा है। जी हाँ, बता रहे हैं कि चोट थी उनको, भागा नहीं जा रहा उनसे, गेंदबाजी भी नहीं की आज, पर बल्लेबाजी में अपना काम कर दिया और अपनी टीम का भी। और मुझे लगता है कि किस तरह से दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हैं, अब वो लाजवाब खेल दिखाया भारत ने आज। ये रहा विनिंग शॉट, और ये एक दो से खत्म नहीं किया, अब सेट हो चुके थे तो उन्होंने कहा कि मैं अब छक्के से ही मैच खत्म करूंगा। तो ये देखिए विनिंग मोमेंट को फैंस ने कैच भी किया, और तेंदुलकर के चेहरे पे जो खुशी देख रहे हैं, ओहो एक रिलीफ भी है ये। और चलिए अब इंडिया फिर से फाइनल में भिड़ेगा किससे, ये कल बताएंगे। सचिन खुद निराश थे कि 10 रन बना के आउट हुए, दबाव बहुत था। यह है मैच का लेखा जोखा। ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस भारत ने जीता था, 171 रन बनाए उन्होंने, और जवाब में 5 विकेट गवाकर नमन ओझा और इरफान पठान की पारियों की बदौलत इंडिया लेजेंड्स ने मुकाबला जीत लिया, पहुंच गए हैं फाइनल में।